दोस्तों आज के वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं Samsung Exynos 9611 प्रोसेसर को MediaTek Helio G85 प्रोसेसर के साथ में। G85 एकदम नया प्रोसेसर है और Exynos 9611 भाई एक ऐसा प्रोसेसर है जो मिड रेंज फोन में भी आपको देखने को मिला है और 20-22-25 हजार वाला जो A51 लॉन्च हुआ था उसके अंदर भी देखने को मिला है। और ये वाला जो प्रोसेसर है ना, बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है, बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं भी लगता है। और G85 जो प्रोसेसर एकदम नया नवेला प्रोसेसर है, कल जो Redmi 10X 4G लॉन्च हुआ उसके अंदर आपको देखने को मिला है। और Exynos 9611 की बात करें तो M31 के अंदर आपको देखने को मिला है, Galaxy M30s के अंदर देखने को मिला है, और जैसा मैंने बताया Galaxy M51 के अंदर, A51 के अंदर भी आपको देखने को मिला है। इस वीडियो के अंदर करते भाई दोनों प्रोसेसर को कंपेयर और देखते हैं दोनों में से कौन सा प्रोसेसर है बेटर। फटाफट से कंपैरिजन को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन कंपैरिजन को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट करते हैं और वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं अपन 150 लाइक्स का। आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है यश और प्रो टेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं लॉन्च डेट से। Exynos 9611 लॉन्च हुआ था 12 सितंबर 2019 को, MediaTek Helio G85 लॉन्च हुआ है 30 अप्रैल 2020 को, यानी लॉन्च डेट के हिसाब से G85 लेटेस्ट प्रोसेसर है। CPU और CPU क्लॉक स्पीड की अगर अपन बात करें, Exynos 9611 के अंदर आपको डुअल क्लस्टर आर्किटेक्चर मिलता है। यहाँ पर 4+4 की बिग लिटिल अप्रोच देखने के लिए मिलती है। 4 कोर मिलते हैं आपको परफॉर्मेंस वाले टास्क के लिए, जहाँ पर मिलता है ARM Cortex A73 CPU। क्लॉक स्पीड यहाँ पर मिलती है 2.3 GHz की। अगले 4 कोर यहाँ पर मिलते हैं आपको एफिशिएंसी वाले टास्क के लिए, जहाँ पर मिलता है ARM Cortex A53 CPU और क्लॉक स्पीड मिलती है 1.7 GHz की। तो एक बेसिक CPU मिलता है, थोड़ा सा पुराना CPU है Exynos 9611 का। MediaTek Helio G85 के अंदर आपको 2 कोर मिलते हैं परफॉर्मेंस वाले टास्क के लिए, जहां पर मिलता है ARM Cortex A75 CPU, क्लॉक स्पीड यहां पर मिलती है 2.0 GHz की। 6 कोर यहां पर आपको मिलते हैं एफिशिएंसी वाले टास्क के लिए, जहां पर मिलता है ARM Cortex A55 CPU, क्लॉक स्पीड मिलती है 1.8 GHz की। देखा जाए तो भाई क्लॉक स्पीड आपको ज्यादा मिल रही है Exynos 9611 के अंदर, लेकिन G85 प्रोसेसर के अंदर A75 वाले जो कोर मिलते हैं वो लेटेस्ट कोर्स हैं। लेटेस्ट यानी कि भाई उतने ज्यादा लेटेस्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी एज कम्पेयर टू A73 बेटर परफॉर्मेंस आपको मिलती है A75 कोर्स के अंदर। तो भाई मेरे हिसाब से CPU और CPU क्लॉक स्पीड की अगर बात करें, G85 के अंदर आपको बेटर CPU मिलता है। CPU फैब्रिकेशन प्रोसेस की अगर बात करें, Exynos 9611 के अंदर मिलता है 10 नैनोमीटर का फैब्रिकेशन प्रोसेस, MediaTek Helio G85 बना है 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस पर। और भाई ये चीज तो आपको पता है कि फैब्रिकेशन प्रोसेस जितनी ज्यादा कम होती है प्रोसेसर उतना बेटर होता है, उतना एनर्जी एफिशिएंट होता है और हीट भी उतना ही कम होता है। यानी कि यहां पर 10 नैनोमीटर वाली फैब्रिकेशन प्रोसेस ज्यादा अच्छी है और फैब्रिकेशन प्रोसेस के मामले में Exynos 9611 बेटर प्रोसेसर है। CPU आर्किटेक्चर एंड कोर्स की अगर बात करें तो दोनों ही प्रोसेसर 64-bit के ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, यानी दोनों प्रोसेसर में आपको टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और मल्टीटास्किंग के लिए 8-8 कोर मिलते हैं। ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट यानी GPU की अगर बात करें, Exynos 9611 के अंदर मिलता है ARM Mali G72 MP3 GPU। ये वाला जो GPU है 12 नैनोमीटर पर बना हुआ GPU है, साथ ही में 3 कोर यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। क्लॉक स्पीड क्या मिलती है वो तो भाई मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन डिसेंट परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है। और GPU स्कोर की बात करें तो GPU स्कोर इसको मिलता है 77 पॉइंट्स के आसपास। MediaTek Helio G85 की बात करें, यहाँ पर मिलता है आपको ARM Mali G52 2EEMC2 GPU। ये जो GPU है ये भी 12 नैनोमीटर पर बना हुआ GPU है, 2 कोर का GPU है और क्लॉक स्पीड यहां पर मिलती है आपको 1000 MHz की। साथ ही साथ GPU स्कोर की बात कर ले तो वो मिलते हैं 81 पॉइंट के आसपास। तो यहां पर दोनों की परफॉर्मेंस में आप डिफरेंस देखोगे, 4 पॉइंट का डिफरेंस है GPU स्कोर के अंदर, यानी कि G52 2EEMC2 GPU से आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी, यानी कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट के मामले में G85 बेटर प्रोसेसर है। बात करें रैम सपोर्ट की, दोनों प्रोसेसर के अंदर आपको डुअल चैनल LPDDR4X रैम का सपोर्ट मिलता है। Exynos 9611 के साथ में 6GB तक की रैम का सपोर्ट मिलता है, G85 के साथ में 8GB तक की रैम का सपोर्ट मिलता है। लेकिन रैम फ्रीक्वेंसी आपको ज्यादा मिलती है 9611 के अंदर, 2093 MHz की रैम फ्रीक्वेंसी मिलती है 9611 के साथ में, G85 में मिलती है 1800 MHz की रैम फ्रीक्वेंसी। और भाई रैम फ्रीक्वेंसी एक चीज है जो मैटर करती है रैम सपोर्ट के मामले में, इसलिए 9611 रैम सपोर्ट के मामले में बेटर प्रोसेसर है। स्टोरेज सपोर्ट की अगर बात करें, Exynos 9611 के अंदर आपको eMMC 5.1 और UFS 2.1 दोनों टाइप की स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है। MediaTek Helio G85 के अंदर आपको केवल eMMC 5.1 वाली स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट है भाई G85 का, यहाँ पर कम से कम UFS 2.1 वाली स्टोरेज मिलनी चाहिए थी, लेकिन स्टोरेज सपोर्ट के मामले में अगर बात करें तो Exynos 9611 बेटर प्रोसेसर है।
बात करें कैमरा सपोर्ट की, एक्सिनोस 9611 के साथ में 64 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा और 16+16 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप आपको मिल जाता है। मीडियाटेक हेलियो G85 के साथ में 16+16 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा और 48 मेगापिक्सल तक का सिंगल कैमरा सपोर्ट मिलता है। तो भाई सिंगल कैमरा सपोर्ट आपको एक्सिनोस 9611 में बेटर मिल रहा है, इसलिए कैमरा सपोर्ट के मामले में भी 9611 बेटर प्रोसेसर है। वीडियो कैप्चर रिजोल्यूशन की अगर बात करें, एक्सिनोस 9611 प्रोसेसर के साथ में 4K अल्ट्रा HD वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 120 FPS पर, 1080 पिक्सल्स वाले फुल HD प्लस वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 480 FPS पर, और भाई 720 पिक्सल्स वाले वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 960 FPS पर, उसको सुपर स्लो मोशन में कन्वर्ट कर सकते हो। मीडियाटेक हेलियो G85 के साथ में आपको अप टू 2K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है, क्योंकि जो GPU लगाया गया है वो 4K रिकॉर्डिंग को सपोर्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर 1440 पिक्सल्स वाले 2K वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हो 30 FPS पर, और 1080 पिक्सल्स वाले फुल HD प्लस वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हो 60 FPS पर। यानी वीडियो कैप्चर रिजोल्यूशन की बात करें तो Exynos 9611 बेटर प्रोसेसर है। बात करें डिस्प्ले सपोर्ट की, Exynos 9611 के साथ में आपको WQXGA डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है, जहां पर रिजोल्यूशन मिलता है 1600x2560 का, यानी 1600x2560 पिक्सल्स का। मीडियाटेक हेलियो G85 के साथ में फुल HD प्लस डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है, जहां पर 1080 पिक्सल्स बाय 2520 पिक्सल्स का आपको रिजोल्यूशन मिल जाता है। और भाई डिस्प्ले सपोर्ट के मामले में दोनों में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है। यूं भी जनरली जो डिवाइस आते हैं वो फुल HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ में ही आते हैं इन दोनों प्रोसेसर के साथ में, इसलिए मैं बोलूंगा डिस्प्ले सपोर्ट के मामले में दोनों प्रोसेसर एक जैसे हैं। बात करें यहां पर LTE मॉडेम की, Exynos 9611 के साथ में इंटीग्रेटेड LTE मॉडेम आपको देखने को मिलता है। डाउनलिंक के लिए कैट 12 मॉडेम दिया गया है, डाउनलोड स्पीड मिलती है 600 Mbps की, अपलिंक के लिए दिया गया है कैट 13 मॉडेम, और अपलोड स्पीड आपको मिल जाती है 150 Mbps की। मीडियाटेक हेलियो G85 की बात करें तो यहां पर भी इंटीग्रेटेड LTE मॉडेम देखने के लिए मिलता है, लेकिन यहां पर डाउनलिंक के लिए कैट 7 मॉडेम दिया गया है, और डाउनलोड स्पीड आपको कम मिलती है थोड़ी 300 Mbps की। और यहां पर अपलिंक के लिए सेम कैट 13 मॉडेम दिया गया है, जहां पर अपलोड स्पीड आपको मिल जाती है 150 Mbps की। तो LTE मॉडेम के मामले में भी Exynos 9611 बेटर है, क्योंकि यहां पर बेटर डाउनलोड स्पीड मिलती है। एंटूडू स्कोर्स की अगर बात करें, Exynos 9611 को मिले हैं 170,068 पॉइंट, वहीं पर मीडियाटेक हेलियो G85 को मिलते हैं लगभग 205,946 पॉइंट। यानी एंटूडू के हिसाब से भी मीडियाटेक हेलियो G85 बेटर प्रोसेसर है। Geekbench स्कोर्स की अगर बात करें, Exynos 9611 को मिले हैं सिंगल कोर में 1690 पॉइंट, मल्टी कोर में मिले हैं 5540 पॉइंट। हालांकि G85 के Geekbench स्कोर्स तो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए हैं, लेकिन भाई CPU को देखते हुए जो बेटर CPU आपको मिलता है, तो Geekbench स्कोर भी यहां पर आपको Exynos 9611 से बेटर मिलेंगे सिंगल कोर में भी और मल्टी कोर में भी। वैसे ही जैसे ही डिक्लेयर हो जाएंगे स्कोर्स, वैसे मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपडेट कर दूंगा। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो स्क्रीन के ऊपर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको दिख रहा है, फटाफट से आ जाओ, फटाफट से फॉलो कर लो। तो भाई ये था कंपैरिजन मीडियाटेक हेलियो G85 प्रोसेसर का सैमसंग Exynos 9611 के साथ में। CPU की बात करें तो G85 बेटर है, क्योंकि यहां पर A75 वाले कोर्स मिलते हैं। हालांकि क्लॉक स्पीड आपको कम मिलती है, लेकिन A75 वाले जो कोर्स मिलते हैं उससे परफॉर्मेंस आपको बेटर मिलेगी G85 के अंदर। GPU आपको बेटर मिलता है G85 के अंदर, ARM वाली G52 बेटर परफॉर्म करेगा, यानी GPU के मामले में भी G85 बेटर है। फैब्रिकेशन प्रोसेस के मामले में 9611 बेटर प्रोसेसर है, और भाई नेटवर्क मॉडेम की बात करें या LTE मॉडेम की बात करें तो वहां पर भी 9611 बेटर है। लेकिन ओवरऑल इस बैटल के अगर अल्टीमेट विनर की बात करूं, तो मेरे हिसाब से जो बैटल का अल्टीमेट विनर निकल के आता है, वो निकल के आता है मीडियाटेक हेलियो G85 प्रोसेसर, क्योंकि वहां पर आपको CPU और GPU बेटर मिलते हैं। आप मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना भाई कि आपके हिसाब से दोनों में से कौन सा प्रोसेसर बेटर है, कमेंट करके मेरे को जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाए आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।